नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं सीमा, शायद मैंने कल आपसे ही अपॉइंटमेंट ली थी, मिस्टर लहरी और मिस्टर हैरी से मिलने की। हाँ, आपकी मुझसे ही बात हुई थी, वो मेरे बॉसेस हैं, आप बैठिए, वो आते होंगे। तेरी गलती, तेरी गलती, बिल्कुल तेरी गलती, तेरी गलती। आए गए सर, आइए बॉस। ये है हमारे बॉस मिस्टर हैरी और मिस्टर लहरी। 009 जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई जी, हमें हर क्लाइंट से मिलकर बहुत खुशी होती है। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी आंख क्यों फड़क रही है? दरअसल इसकी आंख में चिकनगुनिया हो गया। क्या मतलब? अरे आप लोग छोड़िए ना इन सब बातों को। मैम आप सर को ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, देखिए दरअसल बात ये है कि जिदान गोगोई नाम का एक बहुत ही बड़ा गुंडा है जो मुझसे प्यार करने लगा। तो क्या तुम भी उस गुंडे से प्यार करती हो? जी नहीं। शुक्र। भला कोई लड़की किसी गुंडे से प्यार कैसे कर सकती है, और वो भी जो प्रोफेशनली किलर हो। नेवर। आतंकवादियों से जरा से पैसे लेकर किसी भी बेगुनाह का खून करता है वो, जान ले लेता है। अब तक 6 कत्ल कर चुका है वो। 6 कत्ल? जी, और इसीलिए तो मैं उससे नफरत करती हूँ। तो केस सॉल्व हो गया जी, आप साफ साफ कह दीजिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बात अगर इतनी आसान होती तो क्या मैं आपके पास आती? दरअसल जिदान का कहना यह है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी खून कर देगा, और वो ऐसा कर सकता है क्योंकि एक लड़का था जो मुझसे प्यार करने लगा था, जिदान को पता चल गया और उसने उसका भी खून कर दिया। लेकिन इस वक्त वो जिदान कहाँ है? फिलहाल वो जेल में है। फिर डरने की क्या बात है? इस ब्याइड आप बात। जेल तो वो कई बार जा चुका है, लेकिन आतंकवादियों की मदद से हर बार फरार हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही तो किसी भी बेगुनाह की जान ले लेता है। अभी तो वो जेल में ही है ना, तो ठीक है, उसके लिए मेरे दिमाग में एक प्लान ऑफ एक्शन आ गया है। मैं अभी अपना प्लान शुरू करता हूँ। देखिए जब तक जिदान जेल में है ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। डर क्यों नहीं है? उसके गुंडे हर वक्त मुझ पर निगाहें रखते हैं, मैं जहां जहां जाती हूँ मेरा पीछा करते हैं। इसका मतलब अभी भी पीछा कर रहे हैं? क्या आप यहाँ आइए? जी नहीं, मैं घर के पिछले वाले दरवाजे से बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। आप जरा सोचिए, एक अकेली लड़की जो इस तरह हर वक्त डर के साये में घुट घुट कर जीती हो, उस पर क्या गुजरती होगी। छीना मुश्किल कर रखा है उन लोगों ने मेरा। अरे आप तो रोने लगी। देखिए प्लीज आप रोइए मत। आप मत रोइए, ये तो हमें भी रोना आ जाएगा। I'm really sorry. सर आपको ना इसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। हाँ जरूर जरूर। रो रो के आपने अपनी क्या हालत कर ली है। आप मेरे साथ वॉशरूम चलिए, मुंह हाथ धोइए, यू विल फील बेटर। आइए मेरे साथ। So nice of you. तू क्या राम पानी लिख रहा है? ओए मैं इस बिचारी की मुसीबत का हल लिख रहा हूँ, जिससे इस बिचारी को हमेशा हमेशा के लिए जिदान से छुटकारा मिल जाएगा। ओए उसका नाम धीरे से ले, और सुना नहीं वो 6 मर्डर का किसान? तू घबरा मत यार, मैंने ये ऐसा प्लान इस लेटर में लिख दिया है कि जिदान उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। ओए क्या कर रहा है यार, किसी लेडीज का पर्स खोलना बुरी बात है। वो तो मैं इसमें कुछ डाल ही रहा हूँ ना, इसमें से कुछ निकाल तो नहीं रहा यार। क्या यार, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। और क्या लिखा था उसमें? सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। चल पगली, अपने भी कभी आप लोगों को डिस्टर्ब करते। नाइस ऑफ यू। अब बताइए
मैं आपको कितना एडवांस दे दूं? अरे एडवांस की क्या बात है, अब तो घर की बात हो गई है। अगर आपको हमारा प्लान पसंद आ गया तो पैसे का क्या है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, बाद में ले लेंगे। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, मैंने मेरा एड्रेस और नंबर मिस रोजी के पास दे दिया है, जब भी आपका प्लान बन जाए मुझे बता दीजिए। वेट फॉर माय कॉल। थैंक यू सर। तू मुझे घूर क्यों रहा है? वेट फॉर माय कॉल। वो एडवांस दे रही थी तो तूने रोका क्यों? वो पागल, अगर वो अपना पर्स खोलती तो वो लेटर ना मिल जाता जो मैंने उसके पर्स में डाला है। पर्स में डाला है, पर्स में लेटर में क्या क्या लिखा है पता नहीं। क्या सर, आपने उसका पर्स खोला? वेरी बैड, किसी लड़की का पर्स खोलना इज वेरी बैड हैबिट। अरे तो ये सब मैंने उसी की भलाई के लिए तो किया है। ओ यार, पता तो चले उस लेटर में लिखा क्या है। भाई मैंने उसे सलाह दी है कि ये लड़की अपनी शादी कर ले, जब जिदान जेल से बाहर आएगा और उसे पता चलेगा कि इसकी शादी हो गई है तो अपने आप जिदान से इसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन सर, शादी करने के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए उसे। तो लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। यार तुम दोनों अंधे हो गए हो, मैं तुम्हें लड़का ही दिखाई नहीं देता। क्या क्या? अरे तो इसमें हर्ज भी क्या है? इसी बहाने मेरा घर भी बस जाएगा और उस बेचारी को जिदान से छुटकारा भी मिल जाएगा। मिस्टर हैरी? यस मिस्टर लैरी। ओ यार, अब तक तो सीमा ने मैरिज वाला प्रपोजल लेटर पढ़ भी लिया होगा। तुझे क्या लगता है वो तेरी होने वाली भाभी बनेगी, मतलब प्रपोजल मान लेगी? ओए, वो अकल से बेवकूफ नहीं लगती कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। बेवकूफा, अपनी शक्ल देख, अपनी उम्र देख। ओए प्यार की ना कोई शक्ल होती है ना प्यार की कोई उम्र होती है। यार बोर मत कर, सोने दे और तू पका, सीमा के ख्याल ही पलाओ। हाँ तो मैं पकाऊंगा। तेरे पेट में क्यों दर्द होती है? इडियट, यू इडियट, यू टू इडियट, यू थ्री इडियट। थ्री इडियट अमीर खान की थी, समझा? इडियट ना हो तो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रोजी। यस सर। मेरे लिए सीमा का कोई फोन आया था। सर, आपने जो कल हरकत करी है ना, उनके बैग में जो लव लेटर डाला है, उसके बाद वो कभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगी। तो फिर अब तक तुम लोगों ने मेरी खूबियों को पहचाना नहीं। पता तुम्हें तब चलेगा जब मैं घोड़ी पे बैठा रात जारी होगी और ये बीन वाला डांस कर रहा होगा। और चुप बका रहा है। रोजी, आज का पेपर कहाँ है? सर, आज का न्यूज़पेपर आपके सामने पड़ा। सॉरी सॉरी, कभी कभी हो जाता है। पढ़ो। उई, ओ माय गॉड, ओ लूट गए, बर्बाद हो गए, मर गए। तीनों चीजें एक साथ ही हो गई हैं। ओ क्या क्या होना बाकी है? लेकिन सर हुआ क्या है? रोजी, अब कफन दफन का इंतजाम कर लो, दो लाशें उठने वाली हैं। पर हुआ क्या है यार? हुआ क्या है? बता तो सही, बात क्या है? पकड़, पढ़ पढ़। वो तेरा जिदान भी वही ना, वो जेल से फरार हो गया है। क्या? अगर तेरा लिखा लेटर जिदान के हाथ लग गया ना, तो तुझे जिदान गाजर मूली की तरह काट देगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगा। लानत है ऐसी दोस्ती। सर, जिदान जेल से फरार हुआ है और पुलिस जरूर उसका पीछा कर रही होगी, और जरूरी नहीं कि वो सबसे पहले सीमा के घर पे जाए। तो इससे पहले कि जिदान वहां पे पहुंचे, आप लोग वहां पे पहुंच के अपना लेटर वहां से ले आएगा, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। यार रोजी ठीक कहती है, चल हम दोनों चल के उसके पर्स से वो लेटर निकाल लाते हैं। हम दोनों क्यों? कसूर तूने किया है और हम दोनों, तू जा। अच्छा वाह तेरी यारी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर जार का, देख ली तेरी दोस्ती। और दोस्ती का मतलब ये नहीं कि रस्सी का फंदा तेरे गले में हो और जवान मेरी निकले। जा यार जा।
देख लिया तेरे जैसे दोस्त। छोड़, तू यार हमेशा दोस्त के नाम पर ना ब्लैकमेल करता है। चल ठीक है, चलते हैं। चलो अभी लेटर लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। नहीं सर, सीमा ने हमें बताया था ना कि गुंडे उस पे हमेशा नजर रखते हैं, तो दिन में उसके घर पे जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। आप रात को जाके वहाँ से अपना लेटर उठा लाएं। ये तुम हमें सिखाओगी? तुम ठीक कहती हो। तो मिस्टर हैरी। हाँ मिस्टर लैरी। आज रात को करते हैं लेटर के बारे में डिटेक्टिव मिशन 009। को पता नहीं इतना अंधेरा क्यों हो जाता है। हाँ यार, I don't like this। वाह, बड़ा पॉश घर है यार। लगता है सीमा बहुत पैसे वाली लग रही। इसीलिए तो कहता था कि अगर सीमा के साथ मेरी शादी हो जाती तो मेरे साथ तेरे भी बारे न्यारे हो जाते। पर यार ये सीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। तू सीमा के बारे में सोचना छोड़। वो पर्स को ढूंढ जिसमें तूने मौत का परवाना लिखा है। हाँ, चलो ढूंढ। नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। अबे यार, रात को खुली आंख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू दूर बीन में मोती चुन रहा है। वो देखना पड़ता है। वो यार, ओ यस, ओ यस, यू डोंट नो। एक काम कर, मैं इधर ढूंढता हूँ। ओके। सब औरतें इधर ही रखती हैं पर्स। नहीं, यहाँ तो नहीं है यार। इधर भी नहीं है। यहाँ तो पर्स हो ही नहीं सकता। पर्स किधर चला गया? हैरी, हाँ मिल गया। हाँ हैरी, हाँ इधर आ, उइ इधर आ। या वेरी गुड। You are great. अब देखते इसमें क्या है। ये तो दिख चुका है। झाड़ी यार। ये पता नहीं क्या है। ओ यार झाड़ी है, सब लेडीज आइटम है। डरी है। ये पता नहीं औरतें क्या करती हैं इसका। ओ यार, तू तो पर्स का ऑपरेशन कर रहा है यार। ये ऑपरेशन नहीं कर रहा यार। अरे इसमें बाकी सब कुछ है पर मेरे वाला वो लेटर नहीं है। वो लेटर लेटर इधर है, जिदान गगोई के पास। जिदान? हाँ, जिदान गगोई। अरे हमारे नाम से इलाके की जान निकलती है और तुमने गगोई की प्रेमिका पर नजर डाली है? मेरी प्रेमिका से शादी बनाओगे? हाँ? देखिए जिदान जी। अब चुप। वो खाली चुप रहने के लिए बोल रहे। अच्छा अच्छा, जिदान जी बस एक बात, ऋषि मुनि कह गए हैं कि किसी को मारने से अच्छा होता है उसको माफ कर देना। ये सही कह रहा है ऋषि मुनि की इज्जत रखो और हमें माफ कर दो। पहली बात तो मैं अच्छा इंसान नहीं और दूसरा मेरी खोपड़ी में माफी नाम का शब्द नहीं है। जिदान प्लीज इन लोगों को छोड़ दो, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी तो तुम्हें वैसे भी मेरे साथ ही करनी पड़ेगी जानेमन, और रहा इनकी माफी का सवाल, वो तो चांस ही नहीं है कोई। बॉस, आपके पीछे तो पुलिस है, इसलिए यह गोली चलाना ठीक नहीं होगा। इन्हें अपने बंगले पे लेके जाके मारिए। जो तो है शहर में लेकिन सुनसान जगह पर। खोपड़ी भी कभी कभी अकल की बात करता है। इन लोगों को
अपने बंगले में ले जाकर ही मारूंगा। जिदान प्लीज इन लोगों को छोड़ दो। काश हम तेरे को लव नहीं करता तो इन दोनों के साथ साथ हम तेरी खोपड़ी में भी। कालिया और शेरा, तुम दोनों सीमा पे नजर रखना, ये घर से बाहर ना निकलने पाए। और तुम दोनों चलो मेरे साथ, खड़ा गार्डन में ले जाके मारेगा। तू ही निकालना है। अरे वो पुड़िया तो निकाल। कौन सी पुड़िया? अरे जो सेठ के साथ मिलके बेचते हैं। ड्रग्स? हाँ। अच्छा अच्छा निकाल दो ना। देर होगी, इन लोगों को गए हुए कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। तो किस हालत में होंगे ये लोग? चलो चल रहे साहब, अब ऊपर नहीं, नीचे बैठो, नीचे बैठो, समा दो मेरे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हाल पे तरस खाओ जितान साहब, मैं सीमा तो क्या हर लड़की को अपनी बहन की नजर से देखता हूँ। और तो इसको अपना जीजा की नजर से देखते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं जिदान साहब, जिदान। अरे बेवकूफ, इनका नाम जिदान जुजोई है। ओ जिदान नहीं, जिदान गोगोई। ओए यार, इधर है कोई? कहाँ फंसा डाला? कमाल है, कहीं जा रहे? अगर ये लोग सीमा के घर पे होते तो फोन तो रेंज में होना चाहिए था। मुझे लगता है ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ए, तुमने ड्रग जरूर ली है, पर इतनी नहीं कि तुम पे नजर ना रख सके। किधर जा रही हो? जहाँ भी तुम जाओगी वहीं हम आएंगे। शट अप! मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और तुम दोनों ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ, मिसेस सीमा गोगोई, समझे? सॉरी मैडम। अबे इडियट, ये बॉस के रेलरोड वाले रेम्बो बंगले की मालकिन बनने वाली है। सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई। ठीक है ठीक है। हेलो रोजी, मैं सीमा बोल रही हूँ। ओ थैंक गॉड सीमा, तुमने फोन किया। मेरे बॉस तुम्हारे घर पे गए हैं, वो लोग ठीक तो है ना? नहीं, जिदान उन्हें पकड़कर अपने बंगले ले गया है और मुझ पर भी पहरा लगाए रखा है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें छुपकर फोन किया है। कम से कम जिदान के अड्डे का पता तो बताया होता। अरे अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं पुलिस को फोन करके नहीं बता देती क्या? तो उसके गुंडों के मुंह से नशे की हालत में निकला है। जिदान का बंगला रे रोड पर है और उस बंगले का नाम रेम्बो है। हेलो 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 सीमा, हेलो रे रोड रेनबो बंगलो। एक्सक्यूज मी जिदान साहब, हमारे लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जिदान साहब, देखो ना, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। यहाँ शादी करने का क्या फायदा? ऊपर जाओ,
किसी अप्सरा से शादी करो। ऊपर जगह है, ये ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, बहुत हो चुकी तुम्हारी बकबक, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ना 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 जिदान साहब, देखो मैं ना कसम खाता हूँ, आज के बाद किसी लड़की को तो क्या, मैं किसी लड़के को भी खत नहीं लिखूंगा और ना आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं तो पहले से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। अरे जिंदा रहोगे तो ब्रह्मचारी रहोगे ना। जिदान साहब, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो कानून भी पूछता है। ये ठीक कह रहे हैं जिदान साहब, इसने ना कानून पढ़ा हुआ है। अच्छा तो बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। जिदान साहब मेरी आखिरी इच्छा ये, एक बार ये पिस्तौल हमारे हाथ में दे दो। हम यहाँ की पूरी स्टेट की पुलिस को उल्लू बनाते हैं और तू हमें उल्लू बना रहा है। नहीं 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 जिदान साहब, ये कि मतलब कि हाँ, हमारा मतलब ये है कि मरने से पहले ना हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं। सर मैं ना एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ने दीजिए साहब, ये धर्म का काम है, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है पढ़। हाँ, पढ़ 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 पढ़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनका अड्डा यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ये हनुमान चालीसा इतना लंबा होता है क्या? हाँ सर, ये तुम ठीक पढ़ रहे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। जी मैं आती हूँ। हे भगवान, हमारे वहां पहुंचने तक बस तुम ही उनका सहारा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा। बोल महावीर बजरंग बली की जय। हो गया तेरा पूरा? हाँ जी सर, हो गया पूरा। ओ यार, वो हनुमान चालीसा तो लंबा करके नहीं गा सकता था, तान लेके लंबी लंबी। यार जितना तुलसीदास जी ने लिखा था मैंने उतना ही पढ़ना था ना। पूजा हो गई तो अब तैयार हो जाओ। हाँ तैयार। मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जिदान गोगई, अब की बार अंदर जाओगे तो जमानत भी नहीं होगी तुम्हारी। ले चलो इसे। ओ शुक्र है, हनुमान जी ने हमें बचा दिया। इसीलिए तो उनको संकट मोचन कहते हैं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे सर। एहसान तो हर बार आप लोग हम पर करते हैं। इस जिदान के फरार होने की वजह से कई अफसर सस्पेंड हो सकते। वो कैसे? वो ऐसे कि ये आतंकवादियों का साथ दे रहा था, जो जंगल में देश के खिलाफ गतिविधियां चलाते हैं, और इसलिए हम इन्हें जंगल में ढूंढ रहे थे। पर आप लोगों का दिमाग कमाल का है, आपने इसे पकड़ भी लिया और इसका ये बंगला भी ढूंढ लिया। लेकिन सर हमने तो सर इसीलिए तो हमारे बॉसेस को पुलिस कहा जाता है, और इनका डिटेक्टिव मिशन कभी फेल नहीं होता। हाँ वो तो है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका आभारी रहेगा। थैंक यू मिस्टर हैरी। ओके ओके। थैंक यू मिस्टर लैरी। इट्स ओके। चले चल 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 चल। होगी ना बांधी बांध। यार हैरी, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? हम कौन सा जिदान का बंगला ढूंढने आए थे या उसे गिरफ्तार करवाने आए थे? हम तो अपना लव लेटर ढूंढने आए थे ताकि वो हमें जान से ना मार दे। फिर ये पुलिस वाले हमें थैंक यू क्यों कह गए? हाँ यार, ये बात मैं सोच कर ही बताऊंगा।
सर मैं बिना सोचे बात बताऊं? बता बता शराब।